20 बच्चे आए थे हमारे पास, जिसमें 4 ब्रो डेड थे और एक बच्चा हमने वेंटिलेटर पे डाला और जिसकी 10-15 मिनट बाद डेथ हो गई। हम बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन नहीं बचा पाए। 4 विद्यार्थियों की मौके पर ही मौत हो गई, एक दी इलाज दौरान, 15 फट्टड़ ने। यह दर्दनाक हादसा पेश आया हरियाणा के महेंद्रगढ़ दे विच, जिथे सवेरे स्कूली विद्यार्थियों नाल भरी बस पलट गई। ओवरटेक करते वेले यह एक्सीडेंट होया। अज वैसे स्कूलों दे विच ईद की छुट्टी है, पर यह प्राइवेट स्कूल लग्या सी। महेंद्रगढ़ के कस्बा कनीना स्थित GLP स्कूल की यह बस सी जो विद्यार्थियों नूं लैके जा रही सी, पर उनहानी पिंड नेड़े जिवें ही वैन ने ओवरटेक करन दी कोशिश कीती, अचानक वैन पलट गई। इस दौरान जोरदार धमाका होया, चीक पुकार होण लगी। इल्जाम यह भी ने कि ड्राइवर ने शराब पीती हुई सी। 9 बजे के आसपास की घटना है। 20 बच्चे आए थे हमारे पास, जिसमें 4 ब्रो डेड थे और एक बच्चा हमने वेंटिलेटर पे डाला और जिसकी 10-15 मिनट बाद डेथ हो गई। 15 बच्चों को आम काफी इंजरी थी, उनको स्टिच वगैरह देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। उस समय SDM साहब तुरंत आ गए थे, उन्होंने पूरे प्रशासन ने, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी हमें कोऑपरेट किया और हम 15 बच्चों को सेव कर पाए हैं। उन बच्चों की कंडीशन काफ़ी ठीक है, कुछ बच्चे रेफर न्यूरोलॉजिस्ट हायर सेंटर भी किए गए हैं और बाकी सभी कंडीशन नॉर्मल है सभी बच्चों की। कौन से स्कूल की बस थी? GL स्कूल की बसेस बता रहे हैं। कहाँ के थे बच्चे? ये तो देखो अलग अलग गांव के थे, हमें तो पता नहीं किस गांव के थे, क्योंकि उस समय हमारा उद्देश्य था कि बच्चों को बचाना, हमारा उद्देश्य था कि उनको पहले फर्स्ट एड डाले, जो बच्चे बच सकते थे उनको बचाने के लिए हमने बरसक प्रयास किया है। 5 कैजुअल्टी 4 प्रो डेड थे, 1 कैजुअल्टी यहाँ पे हुई है क्योंकि वो वेंटिलेटर ट्रेन थे, उनका भी हम बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन नहीं बचा पाए।